हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक लॉन्ग आंसर, नया लॉन्ग आंसर। और ये लॉन्ग आंसर बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपको करना होगा। और इससे मैंने दो लॉन्ग आंसर मिक्स किए हैं, इसमें से अगर इस पार्ट से लॉन्ग आंसर आने के चांसेस हैं इस बार। ओके, तो इसको हम समझते हैं एक बार। और बहुत ही ईजी लॉन्ग आंसर है, और आपको अगर थोड़े से टेंस आते होंगे तो आप इसको अपने आप से भी कर सकते हैं। ओके, तो इसको शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हैं। इस पर छोटा सा लॉन्ग आंसर है, इसको अभी अभी हम इसको यहीं पर याद करते हैं, देखते हैं इसके लिए कैसे करना है। ये है कुर्ग, ठीक है। इसको इसको किसने लिखा है? लोकेश एवरोल ने, है ना? ठीक, क्या कुर्ग? और किसने लिखा है? लोकेश एवरोल ने। ओके, और ये क्लास 10th का है, इसको हमने लिया है मास्टरमाइंड से। कहां से इसको लिया है हमने? मास्टरमाइंड से, बिल्कुल। ओके, अब देखते हैं इसकी इसकी तो समरी क्या है। इसकी देखो, ये कुर्ग जो है ये कर्नाटका में, ठीक, कर्नाटक है जो स्टेट है ना, वहां पर एक ये स्थान है और बहुत ही सुंदर स्थान है, जहां पर है ना बारिश भी होती है और है ना टूरिस्ट लोगों के लिए मतलब तो अच्छा होता है। और यहाँ पर है ना मतलब बॉर्डर के जितने गेम होते हैं वो सारे गेम यहाँ पर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर है ना मतलब जो रेजिमेंट है इंडिया का, मतलब है ना जो रेजिमेंट आर्मी है वो सबसे बेस्ट आर्मी यहाँ पर है कूर्ग में। ओके, और बहुत ही मतलब है ना मतलब जो टूरिस्ट के लिए बहुत ही अच्छा प्लेस है। और यहाँ के जो और यहाँ पर एक जो बात कहते हैं, यहाँ पर एक कहावत है कि यहाँ पर जो सिकंदर, जिसको बोलते हैं अलेक्जेंडर, क्या सिकंदर को बोलते हैं? अलेक्जेंडर। तो ये जो सिकंदर है उसकी कुछ सेना जब है ना उसकी सेना जब है ना मतलब चली गई थी, तो उसकी सेना ने है ना मतलब यहाँ पर आकर स्थान कर लिया था। और उन लोगों ने है ना उन लोगों ने मतलब ना वहां की ही महिलाओं से शादी कर ली थी, और वहां के उनका उनका अलग कल्चर था, ठीक है। वो कहाँ के थे? ग्रीक और अरब के। ओके, तो उनका जो कल्चर था उन्होंने अपना अलग कल्चर बनाया, और है ना जो मतलब हिंदू के जो है ना हिंदू लोगों के कल्चर से बिल्कुल ही अलग था, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि यहाँ पर अभी प्रेजेंट में यहाँ पर है ना अभी मतलब ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पर तिब्बत की मतलब तिब्बत की एक बस्ती, जो तिब्बत शहर है मतलब है ना जो मतलब सॉरी मतलब जो तिब्बत देश है वो चाइना का हिस्सा है। और तिब्बत देश की उस टाइम पर जैसे है ना आजादी मिली थी, उस टाइम के है ना आना आजादी मिली थी, मतलब है ना जिस टाइम राजा लोग आए थे, राजा महाराजा लोग आए थे, उस समय सिकंदर के टाइम पर, अलेक्जेंडर के टाइम पर यहाँ पर तिब्बत की बस्ती यहाँ बस गई थी। तो यहाँ पर वो तिब्बत की बस्ती भी यहाँ पर एक मतलब है तिब्बत के लोग है ना मतलब तिब्बत के अधिकांश लोग जो हैं भारत के अंदर वो इसी स्थान पर है कूर पर। ओके, तो यही एक समरी है, सिंपल सी समरी है। तो इसके एक बार हम पॉइंट देते हैं, फर्स्ट फर्स्ट इसको क्लियर करते हैं फिर है ना। और इसके पॉइंट यहाँ पर मिलेंगे आपके लिए, इसके एमसीक्यू मिलते हैं, जैसे जैसे कि हम ऑल लॉन्ग आंसर में कराते हैं, तो इसको टाइम वेस्ट ना करते हैं, शुरू करते हैं इसका एक बार। देखो ये क्या है, कर्नाटक में है जो स्थान है इसका कूर्ग का। ओके, ये कूर्ग क्या है? एक स्थान है, हमें जो कहां पर कर्नाटक में और किस स्थान के पास है, ये स्टेट है, ये है राज्य कर्नाटक। और कर्नाटक में कहां पर है? एक मैसोर, ठीक है। तो वहां पर है ये, उसके पास है कूर्ग। कूर्ग इसको बोलते हैं हेवन। ये एक कैसा है? ये एक स्वर्गीय वाला स्थान है, मतलब ये स्वर्ग की तरह इतना सुंदर है, इतना ब्यूटीफुल है, और ये टूरिस्ट लोगों के लिए ये एक कूर्ग मतलब स्वर्ग लगता है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, और है मतलब टूरिस्ट लोगों के लिए अच्छा प्लेस है ना। और यहाँ पर है ना हर टाइम बारिश, मतलब है ना यहाँ बारिश होती रहती है यहाँ पर तो है, और यहाँ मानसून लगा रहता है, तो मतलब है ना ये टूरिस्ट लोगों के लिए बहुत ही सुंदर प्लेस है, तो इसलिए उसको बोला गया है हेवन। हेवन में मतलब होता है स्वर्ग। स्पेलिंग शायद आपको नहीं दिख रही होगी, तो इसकी स्पेलिंग है HEAVEN। ओके, हेवन, ठीक है। और ये क्या, ये एक फेमस प्लेस है, मतलब फेमस क्यों है, किस लिए? क्योंकि यहाँ कॉफी है ना और रेन फॉरेस्ट मतलब है ना मतलब जो बारिश वाले जंगल भी यहाँ पर हैं, जहां पर जंगलों में बारिश होती रहती है। ओके, और यहाँ पर क्या, स्पाइसेस, यहाँ मसाले भी पाए जाते हैं। क्या चीज? मसाले भी पाए जाते हैं, क्लियर। और क्या है, अगर यहाँ पर टूरिस्ट लोग आते हैं तो कब आते हैं? सितंबर और मार्च, यानी कि सितंबर और मार्च में आते हैं, मतलब सितंबर से लेके सितंबर से लेके मार्च तक यहाँ पर आते हैं, क्लियर। फिर क्या है, ग्रीक एंड अरब, यानी कि सम पीपल, कुछ लोग मतलब कुछ लोगों की कहावत है, कुछ लोगों ने कह रखा है कि यहाँ पर ग्रीक और अरब के लोग यहाँ बस गए थे है ना, मतलब कि अलेक्जेंडर टाइम पर, अलेक्जेंडर की सेना, मतलब अलेक्जेंडर बोलते हैं, अलेक्जेंडर को मतलब वैसे बोलते हैं सिकंदर। ओके, तो है ना उसको उसके दो नाम थे, अलेक्जेंडर और सिकंदर। तो है ना उसकी सिकंदर की जो सेना थी वो बस गई थी कहाँ पर, है यहाँ पर कूर्ग में। तो है ना फिर उन लोगों ने वहां के उनका वो कहाँ के थे? ग्रीक के और अरब के थे वो लोग, तो उनका कल्चर ग्रीक
की सेना आ गई थी, ग्रीक और अरब की, अरब की, तो उन लोगों ने अपना ये कल्चर अपनाया, ओके। तो जिस कारण है ना उनका कल्चर आज भी अलग है। अब कैसा कल्चर है वो आपको लॉन्ग आंसर में मिल जाएगा, ओके। और फिर क्या, उन लोगों ने वहां के लोगों से मैरिज की, और उन लोगों ने मतलब उनका उनका ट्रेडिशन जो था वो अलग ही था, उनका मतलब है ना जो ग्रीक और अरब में जो ट्रेडिशन था वही ट्रेडिशन उन लोगों ने कूर्ग में अपनाया, क्योंकि उन लोगों ने ना वहां की महिला शादी कर ली थी, है ना। और वहां के लोग फिर है ना वहां पे उन लोगों ने अपना मतलब कब्जा कर लिया वहां पे, मतलब और वहां के लोग आपस में रहने लगे, तो उनका ट्रेडिशन अलग हो गया, क्लियर। फिर क्या, रेजिमेंट, कूर्ग में एक रेजिमेंट है भारत की, बताया था मैंने अभी, कूर्ग की जो रेजिमेंट भारत की है वो बहुत ही स्पेशल और अलग है, क्लियर। फिर क्या, और वहां के जो कूर्ग के जो भारत के जो पहले है ना जो रेजिमेंट के जो अफसर बने थे वो इंडिया के, वो कहाँ के थे, कूर्ग थे। उनका नाम क्या था, जनरल है ना करियप्पा, ठीक है ना, क्या नाम था, ओके, जनरल, देखो जनरल और जी क्या करियप्पा, CARIAPPA, क्लियर। फिर क्या, देखो और यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर जो कावेरी नदी है वो अपना जल कहाँ से लेती है, वाटर मतलब है ना, तो देखो पहाड़ों से और मतलब क्या जंगलों से माध्यम से उसका पानी बहता है, या अपना पानी वो वहां से मतलब एज लेती है, कहाँ से, पहाड़ों से, देखो हिल, HIL हिल और फॉरेस्ट जंगल, ओके। और फिर क्या, स्पोर्ट का मैदान यहाँ पर है, क्योंकि है ना मतलब यहाँ पर स्पोर्ट कौन सा होता है, वाटर गेमिंग, सारे गेम वाटर वाले होते हैं, जो पानी के जितने गेम होते हैं वो सारे कहाँ होते हैं, कूर्ग में, क्लियर। फिर क्या, यहाँ पर तिब्बत है, तिब्बत, ठीक है, तिब्बत की मतलब कि तिब्बत के काफी लोग यहाँ पर रहने लगे थे, सेटलमेंट, तिब्बत के काफी लोगों का सेटलमेंट यहाँ हो गया था, ओके। अब चलते हैं लॉन्ग आंसर पर, इसको पढ़ते हैं, ये बहुत ही लॉन्ग आंसर इजी है और ये इम्पोर्टेंट भी है, पहली चीज बता दूं, ये इम्पोर्टेंट भी है और इजी भी है, तो इसको आप करना होगा इसके लिए, क्योंकि इसके आने चांसेस रहते हैं। देयर आर, ओके, देयर आर मार्टियल, MARTIAL, मार्टियल मैन एंड ब्यूटीफुल वुमेन, ओके। बाकी लोग कैसे हैं, सूरवीर, वहां के आदमी कैसे हैं, सूरवीर, और मतलब और वहां की महिला कैसी हैं, सुंदर, ओके, वुमेन। दे आर, हंस कर दो, ठीक, दे आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरावेक डिसेंट, बताया जाने है ना कि वहां के लोग कैसे हैं, अरावेक और ग्रीक के हैं, जैसे एक मतलब कहावत है ना, वो वहां के लोग वहां के वंशज हैं, जिसे मतलब वंशज हैं, क्योंकि है ना ग्रीक और अरब मतलब अरब के वंशज लोग वहां के वंश के लोग वहां रहते हैं कूर्ग में, ओके। फिर क्या है, ए पॉपुलर स्टोरी, ये मतलब कहावत है, मैंने कहा था ये एक कहावत है कि वहां पर अरब के और ग्रीक के लोग रहते हैं, ए पॉपुलर स्टोरी सेज दैट ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी, वहां क्या मतलब वहां को रहती है, वहां पर अलेक्जेंडर की सेना मतलब वहां रहती है, ओके। फिर क्या है, स्टेट वहां रुक गई थी, यहां पर स्टेट मतलब रुकना, बैक एंड मैरिज मतलब जो कूर्ग में रुक गई उनकी सेना, किसकी सेना, अलेक्जेंडर की सेना कूर्ग में रुक गई, और उन्होंने वहां के लोगों से शादी कर ली है ना, किस जगह, एमोंगेस्ट, उनके बीच में आपसी एमोंगेस्ट, तो लिखा एमोंगेस्ट, AMONGEST, एमोंगेस्ट मतलब बीच के लोगों से, एमोंग मतलब होता है बीच, तो क्या है वहां के लोगों के बीच में से शादी कर ली आपस में मिलजुल कर, द लोकल्स, वहां के लोकल से लोगों से। और फिर क्या हुआ, देयर कल्चर, उनका जो कल्चर था उनका, देखो दे मतलब उनका किसका, अलेक्जेंडर की सेना का कल्चर था है ना, जो कल्चर है शादी करने का जो तरीका है, और उनके जो धार्मिक तरीका है, जो धर्म तरीका है, जो पूजा पाठ करने का तरीका है, वो कैसा है, आर डिफरेंट, अलग है, किससे, हिंदू, जी क्या लिखा है, मेन स्ट्रीम, मतलब जो हिंदू का जो तरीका है, जो हिंदू लोगों का जो मेन तरीका होता है पूजा करने का, शादी करने का, वहां से अलग है उन लोगों का तरीका, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, मेन स्ट्रीम, MAINSTREAM, ठीक है, मेन स्ट्रीम, क्लियर। फिर क्या है, दे आल्सो वियर ए वेस्ट, अब कैसे अलग तरीका है, देखो बिलो मतलब क्या करते हैं, वियर मतलब WEAR, बिलो पहनते हैं क्या, वेस्ट, WAIST, वेस्ट मतलब कमर, देखो
ओके तो क्या वी आर ए बेस्ट, बोलो क्या करते हैं बेल्ट पहनते हैं किस पर, कमर पर, वहां की महिलाएं जो होती है ना, मतलब जी क्या करती हैं बेल्ट पहनती हैं कमर पर और बिलो पहनते हैं, मतलब तो बिलो भी ठीक है, तो इसलिए उसको बोलो क्या बोलते हैं कुप्पिया, क्या बोलते हैं कुप्पिया, KUPPIA, वहां के लोग क्या बोलते हैं वहां के लोग बेल्ट पहनते हैं कमर पर और उसको क्या बोलते हैं उस तरीका जो उनका है जो बेल्ट पहनने का उसको बोलते हैं कुप्पिया, क्लियर। तो इट 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 जिक लिखा RESEMBLES, इट रिजेंबलेस द वॉर्न बाई अरब एंड द जिक लिखा KURDAS, ठीक है, जिक लिखा कुर्दास, क्लियर है ना, कुर्दा। उनका जो तरीका है वो कहां से है, अरब से, अरब कुर्दा, ठीक। ये तरीका कहां से आया, ये उनको तरीका कहां से आया, अरब से। ये तरीका जो पहनने का जो तरीका है, वॉर मतलब पहनने का जो तरीका है वो कहां से आया है ना, अरब से, ARBA है ना, अरब से और कुर्दा से, ये है ना वहां की स्थान है। ओके तो यहां तक ये हो चुका है, और यहां पर जो इम्पोर्टेंट है ये वाला जो एरिया है यहां से और यहां तक जो एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना ही होगा, क्लियर। अब ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर ये बहुत इजी है, इसको देखते हैं एक बार। देखो इसमें क्या है, इसमें जो कूर के लोग जो हैं वो कैसे सम्मान करते हैं लोगों का, मेहमान लोगों का आते हैं, उनका मेहमान आते हैं या कोई टूरिस्ट लोग आते हैं तो उनका उनका सम्मान कैसे करते हैं। देखो जैसे जम्मू कश्मीर है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में अगर मान लो कि टूरिस्ट लोग जाते हैं या कोई भी इंसान घूमने जाता है पहाड़ों में है ना, पहाड़ी तरफ जम्मू कश्मीर में, तो वहां के लोग सम्मान करते हैं, ये है भाई इतनी दूर से आते हैं तो उनको अपनी तरफ से खाना खिलाते हैं और उनकी मेहमाननवाजी अच्छे से करते हैं और वहाँ की जो परंपरा होती है, जो वहाँ की कहानियां होती है वो सुनाते हैं। और बड़ी चीज यहाँ कूर्ग में है, ये चीज है ना बाहर होती है, जब बाहर घूमने जाएंगे तो वहाँ की बातें बताते हैं। ऐसे मान लीजिए आप कहीं जाएंगे अनजान जगह पे तो वहाँ के लोग सम्मान भी करते हैं, है ना, चाय नाश्ता खिलाएंगे, है ना, खाना भी खिलाएंगे भूखे के लिए, है ना, अपूर सम्मान करते हैं और लेटने वेटने है ना कोई व्यवस्था करते हैं और बाहर बताएंगे कि टाइम पास नहीं था, बताते हैं कि यहाँ के लोग कैसे हैं, है ना। तो बड़ी चीज यहाँ कूर्ग में है, तो बड़ी चीज बता रहा है यहाँ पर कि कूर्ग आर वेरी हॉस्पिटेबल। देखो ये हॉस्पिटेबल मतलब हॉस्पिटल तो वो नहीं है जो मेडिकल वाला, ठीक है, मतलब कि वो लोग अपने मतलब जो लोग आते हैं अतिथि लोग आते हैं जो गेस्ट लोग आते हैं उनका अच्छे से स्वागत करते हैं। कूर्ग आर वेरी हॉस्पिटेबल, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, कैसा है, दे टेल देयर गेस्ट स्टोरीज, वो अपने है ना अपने जो गेस्ट होते हैं उनको क्या बताते हैं, स्टोरीज बताते हैं क्या कहानी, किसकी, बेलर, ठीक है, बैलर ऑफ देयर सन्स एंड फादर, किसकी बैलर मतलब युद्ध की, मतलब जो उनके है ना उनके जो वंशज थे, जो आर्मी जो उनके वंशज थे वो कहते हैं अलेक्जेंडर सेना के थे, है ना, तो कहते हैं उनके जो बच्चों की जो पिता की जो कहानियां हैं, जो वीरता की जो कहानियां, जो लड़ाई की जो कहानियां हैं उसको बताते थे, ठीक है। तो क्या बैलर मतलब वीरता की लड़ाई की कहानियां, इसकी वीरता वाली या लड़ाई वाली कहानियां बताते थे के लिए, गेस्ट लोगों के लिए। तो कूर्ग सोल्जर आर वेरी ब्रेव, और कहते क्या थे, कूर्ग के जो सोल्जर थे, कूर्ग की जो सेना थी वो कैसी थी, ब्रेव थी, बहादुर थी, क्लियर यहां तक। अब क्या है, अब देखो यहां तक हो गया, ये दादी ये इनमें कर दिए एक पॉइंट, तो ये आ गया यहां तक, कूर्ग के है ना लोग है ना मेहमान लोगों का स्वागत करते हैं, बस यहां तक हो गया। अब यहां से आता नया पॉइंट, कूर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रेजिमेंट इंडिया है, स्टाफ सेंटेंस है ये, मान ली ऐसे कर दिया, अगर आप भूल जाए आपको याद नहीं हो तो ऐसे कर देना, मतलब है ना बस इतना करना, ये स्पेलिंग कर देना याद रेजिमेंट की, तो कूर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट है ना जो रेजिमेंट, अगर आप याद कर ले, अगर आप ये कर ले यार तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रही तो ऐसे कर देना। कूर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड मतलब सजी हुई या फिर सुसज्जित, मतलब क्या है ना उसकी जो सेना है बहुत ही अच्छी और अलग सेना है, कैसी, वन इन द इंडिया, वन इन द इंडियन सेना से अलग है। और क्या द फर्स्ट जनरल, जो फर्स्ट जनरल थे आजादी के मतलब कि आजादी के समय पर, तो कैसे थे वो, कहां के थे वो, कूर्ग के थे, और उनका नाम क्या था, जनरल जी क्या था, करपिया, ठीक है, करपा नहीं, CARI, इस पर गुली बार CARRIPA, ठीक है, वाज एक कूर्ग थे, मतलब वो क्या थे, वो एक कूर्ग थे, और कूर्गीज आर द मतलब आर द ओनली पीपल हु आर ना हु आर परमिटेड, इसको लिखो एक बार, PERMITT
ईडी उन लोगों के लिए, मतलब कि जो अग्नि के जो शस्त्र होते हैं उनको ले जाने की अनुमति है बिना लाइसेंस के, वरना है ना कोई भी ऐसी भारत में कोई ऐसा नहीं है जिसको बिना लाइसेंस की जो जो उनकी मतलब है ना, मतलब कि जो हथियार हैं अग्नि, मतलब अग्नि हथियार हैं, फायर आर्म बोलते हैं अग्नि हथियार। देखो फायर मतलब आग और आर्म में से शस्त्र, ठीक है, जो अग्नि शस्त्र हैं उनको ले जाने के लिए है ना, मतलब कि लाइसेंस चाहिए था उन लोगों के लिए, देखे है ना, उनके लिए जो पूर्व के लोग हैं उनको कैरी करने के लिए कोई भी लाइसेंस नहीं चाहिए होता है। ओके, तो यहां तक ये हो चुका है हमारा एक पॉइंट, फिर समझते हैं यहाँ पर। फिर देखो अगला जो आता है, जो अगर मान लीजिए आपका सेंट आपका लॉन्ग आंसर ये आता, पूर्व वाला कोई भी आता है लॉन्ग आंसर, तो आपको ये करना होगा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक करना होगा। और मान लीजिए अगर आपका पूर्व वाले में थोड़ा आता है कि एंजॉय लाइफ, कि पूर्व में कैसे लाइफ को क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, ठीक, एंजॉय लाइफ, अगर आपको ये पूर्व वाले में एंजॉय लाइफ दिख जाएगा शब्द, तो आपको क्या करना होगा, आपको है ना ये करना होगा, यहां तक लिखना होगा, कहां तक, यहां तक लिखना होगा, और यहां के बाद में क्या करना होगा, ये वाला जोड़ देना होगा। फिर समझ लीजिए एक बार, अगर पूर्व वाले में एंजॉय लाइफ दिख जाएगा तो आपको यहां से लेके यहां तक करना होगा, और उसके बाद में यहां से जोड़ना होगा यहां से। ओके, और आप अगर इसको पूरा लिख देंगे तब भी कोई टेंशन नहीं है, फिलहाल है ना आप अगर नहीं लिख पा रहे हैं इतना, तो यहां से और तो यहां से लेके और यहां से शुरू कर देना तो आपको सही हो जाएगा। ओके, लेकिन पूर्व वाले में ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन अगर पूर्व वाले में एंजॉय लाइफ का आता है तो अगर आपने इतना कर दिया यहां से और यहां तक कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा। पूर्व वाले में एंजॉय लाइफ का क्वेश्चन जो आता है कि वहां के लोग जो मतलब है ना कि पूर्व में एंजॉय लाइफ कैसे करते हैं, जो पुरुष लोग होते हैं वो कैसे करते हैं, वहां की परंपरा कैसी है, वो चीज अगर आता है तो आपको यहाँ से थोड़ा अलग करना पड़ेगा। पर सुन लीजिए, जिससे कंफ्यूजन हो, इसलिए मैं ना शब्दों को बार बार रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे। फिर सुनते एक बार, फिर सुनिए, इसको क्लियर कर दीजिए, इसको क्लियर करते हैं। कूर का कोई भी सेंटर, कूर के नाम से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको यहां से यहां तक करना होगा, ओके, लाइसेंस तक। लेकिन कूर वाले में अगर एंजॉय लाइफ का आ जाएगा, एंजॉय लाइफ का आ जाएगा तो आपको कहां से करना होगा, यहां तक कर लीजिए, यहां तक ये लिखा कुरदास तक, फिर उसके बाद में कूर्व यहाँ शुरू कर दीजिए और यहां तक कर दीजिए, फिर आपको सही हो जाएगा। और चाहे तो आप पूरा कर दीजिए और उसमें ये वाला ऐड कर देना तब भी सही हो जाएगा, ठीक, गलत नहीं होगा, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं तो। लेकिन है ये रखना कि एंजॉय लाइफ का आएगा तो आपको ये जरूर लिखना होगा, चाहे इसे हटाएं या ना हटाएं, लेकिन इसको जरूर लिखना होगा। क्लियर एक पॉइंट और, तो चलते हैं इसमें क्या लिखा है देखते हैं जी। है ये भी देखो, कूर्ग इज ए टूरिस्ट प्लेस, है सिंपल, मैंने कहा था इसकी कूर्ग एक कैसा है, कूर्ग एक टूरिस्ट प्लेस है। फिर क्या है इफ, इफ मतलब ये लिखा इफ, ठीक है, अगर नहीं लिखा तो देखते हैं आई एफ, इफ इफ वांट, यदि चाहते हैं क्या, टू विजिट, वहां पर विजिट करना किसके दौरान है ना, ड्यूरिंग सेप्टेम्बर SEP, देखो मैं शॉर्ट में लिखा, ठीक है, SEP सेप्टेम्बर के स्पेलिंग है, इसे शॉर्ट में लेते हैं, क्लियर, देखो सेप्टेम्बर मार्च में जाना है, ठीक है, मतलब है ना अगर अगर हम विजिट करते हैं तो वहां का सही टाइम जो है वो सेप्टेम्बर से मार्च के बीच में होता है, क्या, ड्यूरिंग द मानसून, मतलब जो मानसून उस टाइम पर जो मौसम होता है वहां का वो कैसा होता है, मानसून, स्पेलिंग देख लीजिए एक बार, अगर नहीं लिख रही है मानसून की, MONSONS, नहीं NS, फिर सुनिए एक बार, MONSOONS, ठीक है, मानसून हैवी। अब देखो अगला आ गया पॉइंट, आ गया, हाँ फुल स्टॉप आ गया। फिर देखो हैवी रेन्स स्पॉइल द चार्म ऑफ ट्रिप, वहां की जो हैवी रेन्स होती है उसका मानसून में क्या होती है, मानसून लग जा मतलब जब मानसून लगता है तो बारिश अधिक होती है, और वहां की जो मतलब वहां की जो हैवी बारिश होती है तो उसको जो ट्रिप करते हैं जो लोग उसको मतलब उसमें और अच्छा लगता है, उसमें और अच्छा लगता है उस टाइम पर, है ना, तो वही चीज है, चार्म मतलब चार मतलब बहुत अच्छा लगता है, चार्म मतलब है ना, मतलब है ना ये चार ब्यूटीफुल की मीनिंग है, चार्म उसका सिनोनियम से। फिर क्या है अगला पॉइंट, देखो यहाँ तक हो गया, अब देखो इसमें देखो एक तो ये आ गया, अगला पॉइंट हो गया, तो ये वाला देखो कावेरी नदी वाला, कावेरी रिवर, द कावेरी रिवर इज फेमस फॉर द माहेश्वर, ठीक है, फिर क्या मतलब वहां के, अब क्या है देखो मतलब पीपुल हैविंग, पीपुल हैविंग, देखो नहीं दिख रहा तो देखो HABING, HABING, हैविंग रिलैक्स मूड कैन एंजॉय मेनी टाइप ऑफ वाटर गेम्स। ओके, मतलब ये जो कावेरी नदी है वहां पर क्या है, एक फेमस प्लेस है ये वाला, क्या नाम है उसका, ये वाला प्लेस है, क्लियर, तो है ना, ठीक, तो है ना जो
वहां पर जो वहां पर मतलब जो लोग वहां जाते हैं उन लोगों का माइंड सही होता है किस चीज से, क्योंकि वहां पर बहुत प्रकार के वाटर गेम होते हैं। ओके, तो ये हमारा लॉन्ग आंसर यहाँ हो चुके हैं, दो लॉन्ग आंसर है। पूर्व वाले से कोई भी आएगा आप ये कर दीजिए, अगर आपको डाउट हो रहा हो तो आप पूरा लिख के आने, जब पूर्व वाले में तो कोई सा आ जाए आप पूरा लिख दीजिएगा, गलत नहीं होगा। लेकिन है ना, अगर आपको है ना सही करना, थोड़ा सा अच्छा करना, तो एंजॉय लाइफ से अगर आप कंफ्यूज हो रही, तो एंजॉय लाइफ से क्या करना, एंजॉय लाइफ लेके पहले इतना करना है, फिर एंजॉय लाइफ से हाँ सा कर देना है। क्लियर है तक? तो एक बार हम फिर से पढ़ते हैं। देयर आर मार्टियल मैन एंड ब्यूटीफुल वुमेन, दे आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट, ए पॉपुलर स्टोरी सेज दैट ए पार्ट अलेक्जेंडर्स आर्मी स्टेड बैक एंड मैरिज्ड अमंगेस्ट द लोकल्स, दे आर कल्चर मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज हिंदू मेन स्ट्रीम, दे आल्सो वियर ए बेस्ट बेल्ट कॉल्ड जी क्या कुपिया इट इट जी क्या रिजेम्बलेंस, ठीक है, इन द वॉर्म बाई अरेब एंड द ये क्या लिखा है कुरदास। क्लियर? फिर क्या, कूर्ग आर वेरी हॉस्पिटेबल, दे टेल देयर गेस्ट स्टोरीज ऑफ वॉलर ऑफ देयर सन्स एंड फादर, कूर्ग सोल्जर आर वेरी ब्रेव, कूर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड वन इन द इंडियन आर्मी, द फर्स्ट जर्नल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया जर्नल जिक्र लिखा है करियप्पा। ओके, करियप्पा वाज ए कूर्गी, ठीक है। अब क्या है ना, कूर्गीज आर द ओनली पीपल हु आर परमिटेड टू कैरी, देखो ये लिखा है CARRY, CARRY, कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस। क्लियर? चलते हैं, यहां पर ये लिखा है कूर्ग इज ए टूरिस्ट प्लेस, इट लिखा है, लिखा इफ वांट टू विजिट ड्यूरिंग सितंबर मार्च, है ना, और क्या ड्यूरिंग द मानसून्स हैवी रेन्स स्पॉइल द चार्म ऑफ ट्रिप, फिर क्या द कावेरी रिवर इज द फेमस फॉर माइसर पीपल हैविंग रिलैक्स मूड कैन एंजॉय मैनी टाइप ऑफ वाटर गेम्स। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप आराम से है ना मॉडल से या फिर इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। और आपको हम एक बात और बता दें कि आपके लिए लगभग आपके 9 चैप्टर आपके प्रोज में हैं, तो उसमें से आपको लगभग 6-7 आपको लॉन्ग आंसर याद करने होंगे, तभी आप वहां लिख पाएंगे। कम से कम 6 या 6 लॉन्ग आंसर आपको याद होने ही चाहिए, तभी लिख पाएंगे, वरना आप नहीं लिख पाएंगे। और आपने मान लो 2 याद कर लिए, अब वो नहीं आए तो आपकी मेहनत भी खराब हो जाएगी और दिक्कत भी आएगी। तो मैं आपको समझा रहा हूँ आपके लिए, और मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ रहा होगा। तो एक बार आप खुद से याद करेंगे तो आपका याद हो जाएगा प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन एक चीज और है, आप एवरीडे एक लॉन्ग आंसर याद करते रहिए, जिससे कि आपके लॉन्ग आंसर है ना मतलब होते रहे कंटिन्यू, क्योंकि एग्जाम पास में है आपके, फिर आप एंड टाइम पे आप याद नहीं कर पाएंगे और रिविजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी भी क्योंकि अभी मुझे सप्लीमेंट्री के लॉन्ग आंसर और कराने हैं, और अभी मुझे दो या तीन वैसे 3 है, और हमें एक मिक्स कर देंगे, एक लॉन्ग आंसर मिक्स कर देंगे, उसके 2 लॉन्ग आंसर अभी मुझे और कराने हैं प्रोज में, उसके बाद में फिर आपके सप्लीमेंट्री के लॉन्ग आंसर आपके शुरू होंगे। तो इसलिए आप लॉन्ग आंसर रोज करते रहिए, फिर आपके ऐसे शुरू कराऊंगा, फिर आपके ऐसे शुरू कराऊंगा मैं, फिर आपके जो जो एप्लीकेशन है वो शुरू करानी है, फिर आपके जो रिपोर्ट है आर्टिकल है वो भी एंड करानी है। तो इसके इसलिए आप इंग्लिश का कोर्स पर डे 2 घंटे निकाल लीजिए, और जिससे कि रोज के रोज पढ़ते चलिए और रिवीजन करते चलिए, और एमसीक्यू जो एमसीक्यू है उसको लगाते चलिए पोएट्री प्रोज और सप्लीमेंट्री के, जिससे कि आपके 20 नंबर फ्री में पक्के हो जाएं। क्लियर? कि आपका अगर मान लो लॉन्ग आंसर आपका अगर आप देखो आपने अगर याद कर लिए सारे तो अच्छी बात है, लेकिन है ना अगर मान लो आपको नहीं फंसा लॉन्ग आंसर, आपने जो याद किया है ना और जो आपने याद किया वो भी नहीं आया, तो आपका जिससे कि एमसीक्यू से और स्टोरी से एप्लीकेशन से ऐसे से आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। क्लियर? क्योंकि ये लॉन्ग आंसर जो है वो 4 नंबर के आते हैं, है
है ना, और चार नंबर चक्कर में आप पूरा पढ़ना पड़ता है इंग्लिश, लेकिन चार नंबर चक्कर में है ना आपको जो और भी आता है पोर्शन उसको आप छोड़ देते हैं, तो उस पर भी फोकस करना है ना, जिससे कि चार नंबर चक्कर में और है ना और मतलब और जो है उस और नंबर के हम लॉस नहीं कर सकते हैं ना। तो इसको तो इसको मैं करा ही रहा हूँ इसी तरीके से, लेकिन है ना फिर भी आप और भी करते रहिए, जिससे कि एमसीक्यू है इसी चीज, देखो इंग्लिश में इसी चीजें हैं, एमसीक्यू है, पोएट्री है, पोएट्री दो देखो पोएट्री मैंने सेंट्रल आईडी करा दी है और है ना आपको अच्छे समझा दिया है, आप उसको अगली सेंट्रल आईडी है, देखो पोएट्री में सेंट्रल आईडी जो करा दी उससे बाहर नहीं जाएगा पोएट्री का, और पोएट्री में एक बार है ना आप एमसीक्यू और कर लीजिएगा, देखो दो दो हैं हर पार्ट में दो दो हैं और उसको अलग कर लीजिएगा तो आपके हो जाएंगे, तो पोएट्री से क्वेश्चन को बाहर नहीं जाएगा, तो आपके पोएट्री में नंबर पक्के हैं। बच्चा क्या सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री में देखो आपके है ना जो जो एमसीक्यू है वो आप कर लीजिएगा है ना, और देखो बेस्ट देखो देखो मैं तो कराऊंगा कराऊंगा लेकिन आपको कन्फर्म करना है, फिर उसके बाद में जो है आपको जो सप्लीमेंट्री जो जो लॉन्ग है उसको मैं कराऊंगा इसके बाद ही है ना, अभी इसको दो और रहेगा लॉन्ग आंसर, उसके बाद में सप्लीमेंट्री लॉन्ग आंसर कराना शुरू करूंगा है ना, फिर उसके बाद मैं कराऊंगा शॉर्ट, जो आपके शॉर्ट है उसको नहीं शॉर्ट है बोर्ड पर नहीं कराऊंगा, शॉर्ट के क्वेश्चन जो है वो समझाऊंगा कि इसमें ऐसे से करना है क्लियर, तो वो उसके प्रोज कराऊंगा पोएट्री कराऊंगा उसके है ना प्रोज के और सप्लीमेंट्री समझाऊंगा उसके सप्लीमेंट्री वाले है, जिससे कि आपको आसानी हो जाए करने में, फिर आपको मैं जी ऐसे हैं तो ऐसे तैयार कराने मुझे कि है ना ऐसे अच्छे नंबर आते हैं और ऐसे होते ही हैं, लेकिन आपको है ना आप जैसे ही मॉडल खोलते हैं ऐसे के लिए तो उसमें देखा कि पांच छह हेडिंग है और देखा कि लॉन्ग है इतना हम पे लोग है ना तो वो डर जाते हैं, लेकिन बहुत ईजी होते हैं और आते भी हैं एग्जाम में और अच्छे नंबर भी होते हैं सॉलिड, तो इसलिए वो मुझे कराने मैं वो करा रहा हूँ पोर्सन जो बड़े बड़े जो अच्छे अच्छे नंबर होगा जो है ना बड़े नंबर है और सॉलिड नंबर है, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगा करने में, तो वो चीज करा रहा हूँ जो आप खुद से कर लेंगे उसको मैं कम छू रहा हूँ उस चीज के ऊपर है ना कम टच कर रहा हूँ, जो जो आप खुद से कर लेंगे वो आप कर ही लेंगे, तो उसको छूने वाला टाइम वेस्ट करना बेकार है, उसको करूँ लास्ट में अगर टाइम बचता है तो, लेकिन इंपॉर्टेंट और बड़ी चीजें हैं उसको मैं करा रहा हूँ क्लियर, तो आप एक बार अपने ना एक बार आप इंग्लिश को है ना इंग्लिश को इतने हल्के मत लें, इंग्लिश को इतने ईजी मत लें, क्योंकि ये टेंथ की इंग्लिश है बोर्ड की इंग्लिश है, तो इसमें कौन सा पैटर्न किस टाइम घूम जाए जिसमें कन्फ्यूज हो जाता है ना, तो आप लोग है ना थोड़ा मॉडल को टाइम दीजिए, उसको भी जो आपकी इंग्लिश है उसको टाइम दीजिए, जैसे आप है ना और सब्जेक्ट को टाइम दे रहे हैं वैसे इंग्लिश को भी टाइम दीजिए, और अगर आपको परसेंट अच्छी चाहिए तो एसएसटी का मॉडल को, एसएसटी का मॉडल है जो आपका है ना एसएसटी का मॉडल को और हिंदी के मॉडल को भी आप पढ़ते चलिए, जिससे कि आप मान लीजिए आपका इंग्लिश में और मैथ या साइंस में आपके नंबर कम आते हैं तो एसएसटी का हिंदी का और ड्राइंग आपकी जो आर्ट का है वहां से आपकी परसेंट कवर हो जाएगी क्लियर, तो इसको है ना जो ड्राइंग और हिंदी और एसएसटी है उसको है ना देखो आपकी ड्राइंग काफी हो जाएगी देखो, लेकिन आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ड्राइंग की भी है, जिससे कि आपके और अच्छे नंबर आ जाए, लेकिन है ना आपकी हिंदी को और एसएसटी के लिए समय दीजिए जिससे कि आपके परसेंट कवर हो जाए है ना क्लियर, तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी बात अच्छी लग रही है, इस बात को समझ लीजिए और इस तरीके से पढ़िए, अभी भी है ना अभी टाइम है, अभी लगभग एक महीना पूरा बचा हुआ है आपके एग्जाम के लिए, तो है ना अभी आप फोकस होकर पढ़िए और कम घूमिए और है ना कम मतलब बाहर निकलिए, जिससे कि आप है ना अपने अपने किताबों को टाइम दीजिए, एक महीने रह गया तो एक महीने आप मन से पढ़ लीजिए, उसके बाद में आप है ना एक महीने बाद एग्जाम होने के बाद आप कितना भी घूमिए तो है ना फिर आप फ्री हो जाएंगे, फिर छुट्टी पड़ जाएंगे आप फ्री हो जाएंगे, तो इसलिए अभी थोड़ा एक महीने घर में बैठ के सिर्फ और सिर्फ अपना बोर्ड को दीजिए, अगर आपका बोर्ड में अच्छे नंबर आ जाएंगे तो आपकी आगे के लिए वैकेंसी की लाइनें खुल जाएंगी, और देखो देखो टेंथ के बाद वैकेंसी की लाइनें कैसे खुलती हैं इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा कि टेंथ के बाद टेंथ ट्वेल्थ के बाद वैकेंसी लाइनें कैसे खुलती हैं, तो बोलता हूँ ठीक है नेक्स्ट वीडियो में, ओके तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।